तो आए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुभव विथ रवि में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से दोस्तों पहले आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति आप जिस भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो या बैंक हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, इस प्रकार की आकृति आपको दे दी जाती है और आपको मात्र 5 या 10 सेकेंड में इनको इस आकृति में बताना होता है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। तो इस ट्रिक को देखने के बाद आपको दोस्तों मात्र 5 या 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना होगा, तब भी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। तो इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, ये जो आयत का जो आपको मैंने ट्रिक बता रखा है मेरे वीडियो में, पहले वाले वीडियो में दिखा रखा है, आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख भी सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि कितने आयत हैं, तो इस आकृति में देखना है कि जो जो आयत है उनको छाड़ लेना है। लेकिन दोस्तों देखो, ये जो त्रिभुज की आकृति है वो अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। इस आकृति में देखने पर हमें त्रिभुज की आकृति क्या दिखाई दे रही है, अलग दिखाई दे रही है। और आयत वाले देखो, ये सब खाने या सब जो ये आकृति दिखाई दे रही है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हमें आयत में क्या था कि जो कॉलम और रो थे उनको हमें काउंट करना था। तो कॉलम किन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इनको, इन खानों को क्या कहेंगे, कॉलम, और इन खानों को क्या कहेंगे, हम रो कहेंगे। ये तो आपको नॉर्मली मालूम है। उसके बाद हम क्या करते थे कि उसके बाद जो ये खाने दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करना था, यानी पहले वाले खाने को 1 नंबर, दूसरे वाले को 2 नंबर, और रो को भी हमें काउंट करना है, यानी कि इसको 1 दे दिया तो इसको हमने क्या दे दिया, 2। आयत में क्या करना था कि इन कॉलमों को हमें जोड़ना था, यानी कि 1 + 2 कितने हुए हमारे, 3, और इन दोनों रो को भी हमें जोड़ना था, 1 + 2 कितने हुए हमारे, 3। फिर क्या करना था कि रो में जितने संख्या प्राप्त हुई है उसको लिखना है और कॉलम में जितनी संख्या हमारे पास प्राप्त हुई है वो लिखना है, यानी कि दोनों में कितने कितने हुई है, 3, 3, तो उनको उसके बाद क्या कर देना है, इनके मल्टीप्लाइज कर देना है। तो इसमें देखो, जिसमें भी ये 9 मिल रहा है आपका, वो ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इस ट्रिक का यूज करके आप इससे भी बड़ी आकृति या इससे भी बड़े स्टेप में आप इसको हल कर सकते हैं, आपको मात्र 5 या 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस को। तो अब हमारे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कहा गया, इसमें भी हमें आयत ही पूछे, ठीक है। तो इस आकृति को देखना है कि जिसमें हमें आयत दिखाई दे वो काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखने पर ये जो आकृति, यानी कि ये जो फेस दिखाई दे रहा है, ये तो आयत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमें आयत नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको, इस आकृति यानी इस खाने को हमें क्या कर देना है, एक बार छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो ही जो जनरल मैंने ट्रिक के अनुसार समझाया है वही देखना है कि सबसे पहले इन कॉलम को आपको काउंट करना है, फिर इन रो को काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करने के बाद क्या करना था कि इन तीनों को जोड़ना था आपको, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 क्या हुआ आपका, वो होंगे आपके दोस्तों 6, ठीक है। उसके बाद आपको रो को जोड़ना है, ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है रो की, उन दोनों को जोड़ना है। तो 1 + 2 कितने होंगे आपके, वो होंगे दोस्तों आपके 3। उसके बाद स्टेप क्या था कि 6 को लिखना है और 3 को लिखना है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगा देना है। तो 6 × 3 कितने होते हैं हमारे, 18। इस ट्रिक के अनुसार आपके जो आंसर निकल के आए हैं वो आए हैं 18। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं, जिस भी ऑप्शंस में हमारे 18 मिल रहे हैं वो हमारे राइट क्वेश्चन होंगे, राइट आंसर होंगे, सॉरी दोस्तों। तो हमारे सी में 18 मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड, इस आकृति से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएं, तो ये दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप इस ट्रिक का यूज करके आप इससे भी बड़े या इससे भी बड़ी आकृति को आपको हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोज में नए हैं तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और मिलते हैं हमारे इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखना ना भूलें और मेरे अगले वीडियोस को मैं आपके लिए जरूर जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूंगा।